पराग देसाई की 22 अक्टूबर को देर शाम अहमदाबाद के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पराग देसाई पर कुत्तों ने हमला किया था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज के दौरान ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। पराग देसाई की मौत पर अस्पताल प्रशासन ने बयान जारी किया है, जिसमें कुत्ते के काटने की बात का खंडन भी किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि पराग देसाई के शरीर पर कोई घाव और निशान नहीं थे। पराग देसाई अहमदाबाद के शल्बी हॉस्पिटल में भर्ती थे। अस्पताल के मुताबिक पराग देसाई को 6 बजे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में दाखिल किया गया। वो कुत्तों के द्वारा पीछा करने के चलते फिसल कर गिर गए थे। अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद पराग देसाई का सीटी स्कैन किया गया। उनके शरीर पर डॉग बाइट के निशान नहीं मिले थे। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पराग देसाई और उनके परिवार की अनुमति से आईसीयू में भर्ती किया गया। इसके बाद उन्हें 72 घंटे ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया। ग्रुप के सीईओ निशिता शुक्ला द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल स्टेटमेंट में कुत्ते के काटने की बात से इनकार किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब